प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन का किया उद्घाटन। संसद का शीतकालीन सत्र जोरदार हंगामों के बीच दिन भर के लिए स्थगित, बुधवार से शुरू होगी कार्रवाई। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के तहत कोरबा जिले की महिलाएं एलईडी बल्ब बनाकर हो रही है आत्मनिर्भर। और महासमुंद जिले में राष्ट्रीय साले हैंडबॉल प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ, 24 राज्यों के खिलाड़ी ले रहे हैं भाग। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार, मैं हूं अंकित मिश्रा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस बार आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन और महासभा का आयोजन भारत में किया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार यह प्रयास कर रही है कि जो फर्म सहकारी है उसके लिए फॉर्म से लेकर बाजार तक एक सशक्त माध्यम बने। हमारे जो फार्म कोऑपरेटिव्स हैं उनके लिए फार्म से लेकर किचन तक, फार्म से लेकर मार्केट तक एक सशक्त सप्लाई और वैल्यू चेन बने, इसके लिए हम आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC जैसे पब्लिक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से कोऑपरेटिव्स को अपने प्रोडक्ट बेचने का नया माध्यम दे रहे हैं। इसके माध्यम से हमारे कोऑपरेटिव्स सीधे कम से कम कीमत में कंज्यूमर को प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं। सरकार ने जो जैम यानी गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है उससे भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को काफी मदद मिली है। भूटान के प्रधानमंत्री दासो शेरिंग तोबगे और फिजी के उप प्रधानमंत्री मनोवा कामी कामी का भी सम्मेलन में भागीदारी कर रहे हैं। वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी आईसीए और भारत सरकार तथा भारतीय सहकारिता अमूल तथा क्रिभको के सहयोग से भारतीय किसान उर्वरक सहकारिता लिमिटेड कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन की स्थापना 1895 में की गई थी। यह विश्व भर में 30 लाख सहकारी उद्यमों का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें 1 बिलियन से अधिक सहकारी सदस्य हैं। भारत मंडपम के 6 दिवसीय सम्मेलन में कार्यक्रमों और चर्चाओं की एक श्रृंखला में विश्व भर की सहकारी समितियां एक मंच पर एकत्र हुई है। संसद में आज से शुरू हुआ शीतकालीन सत्र आधे दिन में ही जोरदार हंगामों के बीच दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया है। चूंकि कल संविधान दिवस मनाया जाएगा इसलिए संसद की कार्रवाई अब बुधवार से शुरू की जाएगी। संसद में अडानी ग्रुप के खिलाफ रिश्वत के आरोपों और अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। शीतकालीन सत्र के पहले दिन प्रथम स्थगन के बाद जैसे ही राज्यसभा की बैठक फिर से शुरू हुई तो सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्षी सदस्यों से अपील की कि वे सदन की बैठक सामान्य रूप से चलने दें, लेकिन शोर शराबा जारी रहने के चलते उन्होंने सदन की बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले सभापति जगदीप धनखड़ ने अडानी ग्रुप के खिलाफ कथित रिश्वत के आरोपों और उत्तर प्रदेश के संबल मेमोई कथित हिंसा सहित अन्य मुद्दों को लेकर विपक्षी दलों द्वारा दिए गए स्थगन प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया था। सभापति ने कहा कि ये नोटिस अध्यक्ष द्वारा इस बारे में पूर्व में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि संसद का यह सत्र संविधान पारित किए जाने के 75वें वर्ष में आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने सदस्यों से अपील की कि वे इस महत्वपूर्ण अवसर पर लोगों की भावनाओं को पूरा करने के लिए सर्वोच्च मानकों का परिचय दें। इससे पहले संसद में पहले मौजूदा सदन के 2 दिवंगत सदस्यों वसंतराव चौहान और शेख नुरूल इस्लाम को श्रद्धांजलि दी गई। श्री चौहान महाराष्ट्र की नांदेड़ सीट और श्री इस्लाम पश्चिम बंगाल की बसीरहाट सीट से सांसद थे।
लोकसभा में कार्रवाई शुरू होने के बाद अध्यक्ष ओम बिरला ने श्री चौहान, श्री इस्लाम और तीन पूर्व सदस्यों एमएम लॉरेंस, एम पार्वती और हरिश्चंद चौहान को श्रद्धांजलि दी। इससे पहले राज्यसभा ने भी अपने 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की। दोनों सदनों की बैठक अब बुधवार को होगी। हर साल 26 नवंबर को देश भर में संविधान दिवस मनाया जाता है। यह दिन खास है क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, जो 26 जनवरी 1950 को देश भर में लागू हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डीडी न्यूज से विशेष बातचीत में संविधान के प्रति समझ और सम्मान को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने देशवासियों से संविधान दिवस के संदेश को आत्मसात करने की अपील भी की। देशवासियों से आह्वान है कि संविधान दिवस पर हम संविधान की मूल भावनाएं, संविधान का सामर्थ्य, संविधान की सकारात्मक दिशा और संविधान की भावनाओं को अपनाएं और इस कर्तव्य काल के अंदर देश में हमारा भी कर्तव्य दायित्व निभाते हुए हम देश को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, भारत को कैसे विकसित भारत बना सकते हैं, ये हमारी सामूहिकता के साथ भी और व्यक्तिगत रूप से भी हमारा प्रयास होगा तो निश्चित रूप से हम विकसित भारत के सपनों को पूरा कर पाएंगे। और सभी देशवासी संकल्पित होकर संविधान दिवस पर यही शपथ लें। गौरतलब है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 19 नवंबर 2015 को इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इस अवसर पर हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य भारतीय समाज में संविधान के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना और नागरिकों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में शिक्षित करना है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि सरकार देश में और अधिक उत्पादों को भौगोलिक संकेतक टैग देने पर विचार कर रही है। आज नई दिल्ली में विरासत से विकास तक विषय पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने देश में ऐसे उत्पादों को खोजने की आवश्यकता जताई जिन्हें GI टैग प्रदान किया जा सके। उन्होंने कहा कि GI टैग वाले उत्पादों को बुनकरों की आय बढ़ाने के स्रोत के रूप में देखा जाना चाहिए। अगर हम विकास कर रहे हैं तो GI टैग का, पेटेंट का बहुत बड़ा योगदान है और हम लगभग 600 से ज्यादा GI टैग लिया है। अब उसे कल्चरल टूरिज्म के साथ, हम रिलीजियस टूरिज्म के साथ हम अपने GI टैग को सेक्टर बाय जोड़ करके पूरे दुनिया में इसके विकास और विरासत को साथ ले जाए। श्री सिंह ने यह भी कहा कि सरकार गांव से वैश्विक दृष्टिकोण के माध्यम से और अधिक GI टैग वाले उत्पादों को बढ़ावा देने पर विचार कर रही है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सर, आपका KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। धान का कटोरा कहलाने वाले छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों में जल जंगल और जमीन को लेकर शोध कार्य कर रहे 6 राज्यों से पहुंचे निर्माण यात्रा दल के 16 युवा जांजगीर चांपा जिले के बहेराडीह में स्थित किसान स्कूल पहुंचे, जहां सभी युवाओं ने कृषि क्षेत्र में किए जा रहे अनेक नवाचारों का बारीकी से अवलोकन किया। किसान स्कूल में आए युवाओं ने देसी बीजों का संरक्षण और संवर्धन सहित छत्तीसगढ़ की 36 भाजियों, बीजों, उत्पादन तकनीक और कृषि अवशेष से बनाई गई रंग बिरंगी राखियों और कपड़े का अवलोकन किया। यहां आए निर्माण यात्रा दल के युवाओं ने बताया कि यहां छत्तीसगढ़ की विलुप्त हुई चीजों को संग्रहालय के रूप में संग्रहित किया गया है, जो अपने आप में अद्भुत है। केवल रायपुर में और कोरबा जैसे शहरों में नहीं बसता है, छत्तीसगढ़ ग्राम के आंचल में बसता है। जब मैं यहाँ इतने गहरे अंदर में जांजगीर चांपा के अंदर तक आया और दादा से मिला,
जब मैंने देखा कि किस प्रकार से ये कोसा से सिल्क की पुरातन परंपरा को जीवित रखे हुए हैं, फिर कोसा ही नहीं अलसी, भिंडी, यहाँ तक कि ऐसी चीज़ें जिनसे हम रेशे के बारे में सोच भी नहीं सकते, उनके वस्त्र बना दे रहे हैं, आप वाकई में वंदनीय हैं। मैंने दीनदयाल जी से मिला, 36 प्रकार की भाजी और उसको बचा करके रख रहे हैं। और हम सभी जानते हैं कि पालक का खाओ, ये खाओ, वो खाओ, हरे पत्ते खाओ, यहाँ पे लाल भाजी होती है, वो मैंने पहली बार देखी। तो छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, ये एक राजस्थानी बंदा कह रहा है, और मैं वचन देता हूँ आपको इस बात का कि आगे आने वाले समय में मेरे कम से कम हज़ारों साथियों को एक बार मैं ला करके यहाँ ज़रूर बताऊँगा, एक बार छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचल में आएँ और वहाँ के लोगों से मिले। लोग बहुत बढ़िया हैं, सज्जन देखिए ना कितने मुस्कुराते हुए सज्जन, आप भी देखिए कितने सज्जन हैं। सज्जन व्यक्तित्व है, कला से प्रेम करते हैं, जड़ों से जुड़े हुए हैं और जंगल और प्राकृतिक वातावरण से घिरे हुए हैं। आई थिंक 5 या 6 स्टेट्स के लोग हैं जो कुछ अपने घर से दूर अलग अलग राज्यों में भी काम कर रहे हैं। पहला किसान स्कूल आके काफ़ी अच्छा लगा मेरे लिए, काफ़ी नई चीज़ें थी। मैं शहरी क्षेत्र से आता हूँ तो ग्रामीण क्षेत्र में कैसे इनोवेशन हो रहा है, क्या नवाचार हो रहा है जैविक खेती के बारे में, कैसे अलग अलग चीज़ों से जो इनोवेशन हो रही है जो यहाँ की रूरल इकोनॉमी के तहत लोगों को बहुत फ़ायदा दे सकती है, वो कुछ सीखने मिला। यहाँ पे ये जो धरोहर प्रिजर्व भी कर रहे हैं, पहले जो चीज़ें थी उसको कैसे संभाले रखा है, वो भी एक नया चीज़ मेरे लिए था जो देखने मिला। बहुत अच्छा महसूस हुआ यहाँ पर आके। सबसे पहले तो इन डिटेल जितना वो प्रोसेस दिखाया शुरुआत से लेके कैसे अंत तक कपड़ा बन रहा है, और बहुत अच्छा लगा कि इतना इनोवेशन एक 69 ईयर्स के ओल्ड व्यक्ति ने शुरू किया है। और उससे भी ज़्यादा अच्छा लगा कि जो प्रोडक्ट्स वो बना रहे हैं वो आज मार्केट रेडी है और मार्केट में कंपटीशन देने के लिए रेडी है। सारी चीज़ों को, सारी प्रोसेसेस को देख के और इतने सारे प्रोडक्ट्स को देख के और छत्तीसगढ़ में स्पेसिफिकली इतना इनोवेशन देख के बहुत अच्छा लगा। बायोफ्यूल में भी काम करते हैं तो किस तरीके से एक ग्रीन फ्यूल को पुश कर सकते हैं या एंकरेज कर सकते हैं उस पर भी काम होता है, और कितनी तरीके की भाजियाँ है ताकि कोई नया किसान है वो भी जानना चाहता है, सीखना चाहता है, तो किसान स्कूल एक बहुत अच्छा जगह है उसको सीखने के लिए। बहुत सारे भाजियों के बारे में हमें ज्ञात हुआ, हम खाते हैं पर कभी अनुभव नहीं होता कि एक भाजी कौन सी है, कैसी है, तो उसके बारे में ज्ञात हुआ। फिर हमें लगा यहीं पे ख़त्म होगा हमारा यात्रा, बट हम थोड़ा और आगे बढ़े तो बागवानी के बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चला कि कितने तरीके के फूल हैं, मिर्चियाँ हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा देख के। ये सब शायद किताबों में ही पढ़ते थे पर देखा और छोटी सी जगह पर इतना बेहतरीन एक एक जगह का एक एक कोने का बहुत सदुपयोग किया है जानने के लिए, तो बहुत असली मायने में एक स्कूल है तो अच्छा लगा जाने। पीछे आप देख सकते हैं कि हमने किसान स्कूल में जो संग्रहालय है उसको भी देखा। इस संग्रहालय में बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं जो बचपन में, जैसे जिन चीज़ों को हमने घर में देखा है उन चीज़ों को मैं पीछे देख सकता हूँ। शायद आज की डेट में जो मेरे छोटे भाई बहन है घर में वो इन चीज़ों को ना जाने कि कोई फ़ोन कैसे है और लालटेन कैसे चलता है या चूल्हा कैसे चलता है, तो वो सारी चीज़ों को बचा कर जो हमारी धरोहर है, जो छत्तीसगढ़ की धरोहर है, जो हिंदुस्तान की धरोहर है, वो स्कूल में लोगों ने, यहाँ के लोगों ने बचा कर रखा है। तो इन चीज़ों को देखकर बहुत ही मैं खुश हुआ। पीछे एक नर्सरी भी है जहाँ पे छत्तीसगढ़ के 36 भाजियों के बारे में सीखा। किसान स्कूल के संचालक दीनदयाल यादव ने बताया कि किसान स्कूल में संग्रहित किए गए छत्तीसगढ़ के धरोहर को सभी युवाओं ने काफ़ी सराहा है। आकांक्षी जिला कोरबा में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। कुछ समय पहले जिला प्रशासन की मदद से स्वसहायता समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए LED बल्ब बनाने का प्रशिक्षण दिया गया था। जिला पंचायत CEO दिनेश कुमार नाग ने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के तहत मिले इस प्रशिक्षण के बाद आज ग्राम पंचायत दोंदरों की महिलाएं LED बल्ब बनाकर अच्छा मुनाफा कमा रही हैं। उन्होंने बताया कि पहले ये महिलाएं घरेलू कामकाज तक ही सीमित थी, जिला प्रशासन की मदद के बाद अब समूह की महिलाएं हर दिन 200 से 300 LED बल्ब बनाकर हर महीने अच्छा मुनाफा कमा रही हैं। NRLM की स्कीम के अंतर्गत हो रहा है ये कार्यक्रम, और हमारे जो महिलाएँ हैं उनको आजीविका से जोड़ने के लिए स्कीम लाई गई है। इसमें दोंदरों ग्राम पंचायत की महिलाओं को प्रारंभिक तौर पर लिया गया है, जिसमें महिलाएं अभी बल्ब बनाने का काम कर रही हैं, उनको पहले प्रशिक्षण दिलाया गया, प्रशिक्षण के पश्चात महिलाएं जो हैं बल्ब बना रही हैं और उसको लगभग 20 रुपये के दाम पे मार्केट में बेच रही हैं। 5 से 6 रुपये का उनको जो है इससे लाभ एक बल्ब के पीछे हो जा रहा है, और लगभग अभी जो मुझे जानकारी मिली है 200 से 250 बल्ब ये प्रतिदिन बना पाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इनको ठीक ठाक जो है आय इससे
मिल पा रहा है और महिलाओं के दृष्टिकोण से, उनके उन्नति के दृष्टिकोण से, या फिर बोल सकते हैं कि आजीविका के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा कदम है। ग्राम पंचायत दोंद्रो की स्व सहायता समूह की महिलाओं ने बताया कि बिहान योजना से जुड़ने के बाद उन्हें स्वरोजगार से जुड़ने के लिए प्रशिक्षण दिया गया, जिसके बाद इन महिलाओं के पास अब एक रोजगार भी है। 10 से 15 दीदी मिल करके बना रहे हैं और 5-6 मतलब प्रकार का उसमें सामान लगता है और हम लोग सोल्डिंग मतलब लाइन के द्वारा सोल्डिंग करके उसको जोड़ते हैं, फिर पैकिंग करके उसको 20 रुपए की दर से बेचते हैं। अभी हम लोग LED बल्ब बना रहे हैं जिसमें 5 से 6 प्रकार का सामान लगता है, उसको हम लोग जोड़ते हैं, फिर उसको सोल्डिंग आयरन से जोड़ के पैक करते हैं, फिर 20 रुपए के रेट में बेचते हैं और उसका लागत हम लोग को 6 से 7 रुपए का हो जाता है, जो कि 20 रुपए तक के में बिक जाता है। हम लोग अभी LED बल्ब बना रहे हैं और बहुत सारे दीदी लोग मिलकर बना रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों से जोड़कर उसको चिपका कर बना रहे हैं और 1000 पीस हम लोग बना चुके हैं और बहुत सारे अच्छे से उसमें लाभ मिल रहा है हम लोग को और NRLM के तरफ से हम लोग को उसमें ट्रेनिंग मिला है। कितने तक का मुनाफा हो चुका है? 20 से 25 हजार तक का मुनाफा हो गया है अभी और भी बना रहे हैं हम लोग अभी। केंद्र सरकार के इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत प्रशिक्षण लेने के बाद ग्राम पंचायत दोंद्रो की महिलाएं आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के साथ ही दूसरी महिलाओं के लिए उदाहरण पेश कर रही हैं। प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में अप्रैल महीने से रेडी टू ईट की आपूर्ति पूरी तरह से बंद हो गई है। महिला स्व सहायता समूहों और बीज निगम के बीच चल रहे आपसी द्वंद्व के बीच बच्चों के साथ साथ स्व सहायता समूहों की महिलाओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों में रेडी टू ईट की आपूर्ति नहीं होने से समूह की महिलाओं के पास रोजगार का संकट आ गया है। इसी के मद्देनजर इस योजना के तहत काम करने वाली महिलाओं ने राज्य शासन से उन्हें वापस काम देने की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही इस योजना को फिर से शुरू करे ताकि महिलाओं को रोजगार मिल सके। महिलाएं, हम जो हैं रेडी टू ईट संघ की महिलाएं हैं और आज सम्माननीय मीडिया के माध्यम से हम मैडम तक बात पहुंचाना चाह रहे हैं कि आप हर जगह यही शब्द बोली हैं कि हमने महिलाओं के काम को वापस कर दिया, पिछली सरकार ने उनके काम को छीन कर उन्हें बेरोजगार कर दिया था, तो हमारी सरकार आई और महिलाओं के काम को हमने वापस कर दिया, परंतु सच्चाई ये है कि आज तक हमारा काम वापस नहीं हुआ है। हम इसी का राह देखते हैं कि आज हमारे पास कोई कागज लेकर आएगा, कोई खबर लेकर आएगा कि आप लोग इस दिन से अपना काम को शुरू कर सकते हैं या प्रोसेस कर सकते हैं, पर अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। रेडी टू ईट का कार्य आज भी एक निजी कंपनी कर रही है और आप ही लोगों के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से हम लोगों को पता चला कि जो निजी कंपनी है, जो बीज निगम की कंपनी है, उसे और 2 साल के लिए इन्होंने अनुबंध कर दिया है, तो हम लोग और टूट से गए हैं और इससे हम लोग बहुत आहत हुए हैं। सारी महिलाओं का मनोबल अब टूट रहा है। गौरतलब है कि प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकाल के समय रेडी टू ईट का काम राज्य शासन ने बीज निगम को दे दिया था। इसके बाद से स्व सहायता समूह की महिलाएं लगातार अपना काम वापस लेने के लिए संघर्ष कर रही हैं। महासमुंद जिले के मिनी स्टेडियम में 68वीं राष्ट्रीय साले हैंडबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। महासमुंद विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इसके बाद विभिन्न प्रदेशों से आए खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट किया और सभी प्रतिभागियों को शपथ दिलाई गई। पहला सो मैच NVS और झारखंड के बीच खेला गया, जिसमें दोनों टीमें बराबरी में रहीं। आज से शुरू हुए इस 5 दिवसीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में जिला कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने बताया कि युवाओं में खेल भावना को बढ़ावा देने के लिए यह आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए प्रशासन ने सभी जरूरी तैयारियां की हैं। उनका भी उद्देश्य यही है कि अपने छत्तीसगढ़ राज्य में अपने को खेल कूद को बढ़ावा देना है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज 68वीं जो हमारे राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता है, इसका जो है शुभारंभ माननीय मुख्य अतिथि विधायक महोदय के द्वारा मिनी स्टेडियम में किया गया है। आज यहाँ पे लगभग 24 राज्यों से और 6 हमारी संस्थाओं से 700 से अधिक
बालक एवं बालिकाएँ एकत्रित हुई हैं और साथ में हमारे साथ इनके हेड कोच भी उपस्थित हुए हैं और आज यहाँ पे इसका शुभारंभ हो रहा है और ये बेसिकली 25 से 29 तक 5 दिनों के लिए चलेगा प्रतियोगिता और यहाँ पे इनकी मूलभूत सुविधाओं के लिए विशेष फोकस दिया हुआ है और इनके रहने का खाने पीने का और इनका ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था भी प्रशासन द्वारा की हुई है। किसी प्रकार की दिक्कत इस प्रतियोगिता में नहीं आएगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा ने बताया कि खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रशासन द्वारा सारे इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा चिकित्सा सुविधा की भी व्यवस्था की गई है। बढ़ावा देने के लिए अगर मैं विधायक के नाते बोलूं तो यहां पर जितने भी प्रशासन के द्वारा जो यहाँ पर सुविधा प्रदान कर रहे हैं माननीय कलेक्टर महोदय जी साथ में हैं, इन्होंने पूरा जायजा लिया हुआ है कि बच्चों को खाने पीने और रुकने के हिसाब से कोई भी प्रकार की कमी नहीं होना चाहिए और जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर आए हैं उसके लिए अलग से हमने डॉक्टर का भी व्यवस्था किया हुआ है ताकि उसको थोड़ा भी अगर खरोच आए तो तुरंत उनका इलाज। प्रतियोगिता में भाग ले रहे सभी खिलाड़ी काफी उत्साहित हैं और अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। पढ़ना लिखना ही चाहिए, खेलना नहीं चाहिए। अभी बोलते हैं कि खेलना चाहिए, खेलने से भी शासकीय नौकरियों में हमें बहुत बढ़ोतरी हो रही है जी। इस प्रकार सरकार स्टेट लेवल में और सेंट्रल में जॉब्स में बहुत अच्छा हमें वो दे रही है, सहयोग दे रही है जी। इसमें मेरे को आके बहुत अच्छा लगा और मेरे को ये मेरा पहला SGFI है और मेरे को इसमें मौका दिया गया। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपनी टीम के लिए कुछ अच्छा सपोर्ट कर पाऊँ। प्रतियोगिता में 24 राज्यों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इनमें 6 संस्थाएं CISCE, CBSE, IBSSO केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय शामिल हैं। और अब कुछ खबरें जिलों से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जशपुर जिले के ग्राम पंचायत बाग बहार के मिनी स्टेडियम में आयोजित 33वें ओपन चैलेंज ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता के समापन समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बाग बहार के 10 बिस्तर अस्पताल को 30 बिस्तर में उन्नयन करने की घोषणा भी की। इसके साथ ही उन्होंने बाग बहार के शिव मंदिर के पास तालाब के सौंदर्यीकरण और विश्राम गृह निर्माण सहित कोतबा में अपेक्स बैंक खोलने की भी घोषणा की। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव अपने जन्मदिन के मौके पर लोरमी पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। श्री साव लोरमी विधानसभा इलाके के वनांचल गांव जाकड़ बांधा में बैगा आदिवासियों के बीच अपना जन्मदिन मनाएंगे, जहां बड़ी संख्या में बीजेपी पदाधिकारी कार्यकर्ता शामिल होंगे। इस बीच उप मुख्यमंत्री श्री साव अनेक गाँव में आयोजित स्थानीय कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। सुकमा जिले के चिंतलनार थाना क्षेत्र में नवीन स्थापित कैंप रायगुड़ा से DRG का बल एरिया डोमिनेशन के लिए रवाना हुआ था। इस दौरान रायगुड़ा के जंगल में माओवादियों द्वारा लगाए गए प्रेशर बम की चपेट में आने से DRG का एक जवान घायल हो गया है। घायल जवान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभियान के दौरान पुलिस ने मौके से एक नग IED भी बरामद किया है, जिसे सुरक्षा बलों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया है। और इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। शंकर तेरी जटा में चली धार गंग है, शंकर तेरी जटा में चली धार गंग है, शंकर तेरी जटा में चली धार गंग है। उड़ते हैं बार बार, उड़ते हैं बार बार, उड़ते हैं बार बार, वारी की तरंग है। शंकर तेरी जटा में चली धार गंग है।
गले में मुंड माला है, कानों में है कुंडल, गले में मुंड माला है, कानों में है कुंडल, कानों में है कुंडल, खाने को कंद मूल फल, खाने को कंद मूल फल, पीने को भंग है, उड़ते हैं बार बार वारी की तरंग है, शंकर तेरी जटा में जलीधार गंग है। छाल कमर में कसी वृषराज पे चढ़े, मृग छाल कमर में कसी वृषराज पे चढ़े, वृषराज पे चढ़े, मस्तक में चंद्र की कला, मस्तक में चंद्र की कला, विभूति अंग है, उड़ते हैं बार बार वारी की तरंग है, शंकर तेरी जटा में जलीधार गंग है। गिर जा है संग में, डमरू त्रिशूल हाथ में, गिर जा है संग में, गिर जा है संग में, त्रिनेत्र भुजाचार, त्रिनेत्र भुजाचार, कंठ नील रंग है, उड़ते हैं बार बार वारी की तरंग है, शंकर तेरी जटा में जलीधार गंग है। गण साथ में रहे, कैलाश में निवास है, गण साथ में रहे, गण साथ में रहे, ब्रह्मानंद अपने दास के, ब्रह्मानंद अपने दास के, सदा ही संग है, उड़ते हैं बार बार, उड़ते हैं बार बार, उड़ते हैं बार बार वारी की तरंग है, शंकर तेरी जटा में जलीधार गंग है, शंकर तेरी जटा में जलीधार गंग है, जलीधार।
प्रभु राम के चरण इस धरती पर जहाँ जहाँ पड़े वह भूमि धन्य हो गई। श्री राम के वनवास के पड़ाव से छत्तीसगढ़ की माटी का कण कण पावन हो गया।